वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी। अब कोर्ट के फैसले के बाद कल सुबह से ही ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू होगा। लेकिन इससे पहले जो सर्वे हुआ था उसमें मंदिर होने के कई सबूत मिले थे। पहली बार सर्वे के दौरान दीवारों और खंभों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे। ज्ञानवापी परिसर में कमल और स्वास्तिक की आकृतियां मिली। ज्ञानवापी परिसर में लगे स्तंभों पर त्रिशूल के निशान मिले थे। साथ ही ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति भी मिली। इतना ही नहीं, जिस वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली उसी तरफ नंदी का मुंह भी है। ऐसे में एएसआई सर्वे टीम की कोशिश पहले इन सबूतों के साक्ष्य को जुटाने की होगी। अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया था, मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अब उसी विवाद को दूर करने के लिए हाई कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को हरी झंडी मिल गई। कोर्ट ने कह दिया सर्वे होगा लेकिन नुकसान पहुंचाए बिना, सर्वे होगा लेकिन तोड़फोड़ किए बिना। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। 350 साल पुराने विवाद को निपटाने के लिए अब सर्वे से समाधान होने वाला है और उस तथ्य का प्रमाण ढूंढा जाएगा जिससे साबित हो सके ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है। ज्ञानवापी में अब तक मंदिर शिखर का अवशेष मिला, कमल और स्वास्तिक की आकृति मिली, दीवारों और पत्थरों पर हिंदू चिन्ह मिले, परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति मिली, त्रिशूल और ज्योतिर्लिंग का दावा हुआ, वजूखाने की तरफ नंदी का मुंह है, यानी हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए गए उससे ज्ञानवापी में मंदिर का बोध होता है, और इसी को जानने के लिए अब एएसआई सर्वे का उच्च आदेश आ चुका है। हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, पूर्ण होगी। डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए भगवान जन्मभूमि को लेकर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी इस वक्त यही सब चल रहा है तो बेटर वी मेक इट क्लियर, थैंक यू। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ज्ञानवापी में एएसआई की टीम सर्वे को अंजाम कैसे देगी। ज्ञानवापी में ड्रिलिंग नहीं होगी, एएसआई सर्वे जीपीआर तकनीक से होगा। एक्सपर्ट आईआईटी कानपुर से आएंगे, डीएम की देखरेख में सर्वे किया जाएगा। मतलब साफ है, कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और सर्वे से उस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा जिससे मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म किया जा सके। यह सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की बड़ी जीत है, यह संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। कहते हैं कि जिस तरह से अंधेरा जो है सूर्य को ढक नहीं सकता है, थोड़ी देर के लिए भले जो है तो बादल छा जाएं, उसी तरह से जो संविधान का रास्ता है, थोड़ी देर के लिए लोग टांग भले अड़ा लें लेकिन जीत सत्य और न्याय की ही होती है। इस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, यह दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं। दावे और वादों के बीच अब तमाम शिव भक्तों को इंतजार कल सुबह का है, जब उम्मीदों की किरण निकलेगी तो सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी और साफ हो जाएगा 350 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या फिर मस्जिद समतल जमीन पर बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक विवादित बयान दिया और कहा था कि अगर ज्ञानवापी का सर्वे होगा तो तमाम मंदिर और मठों के भी सर्वे होने चाहिए।
लेकिन सर्वे के फैसले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के अल्फाज और जज्बात अचानक से बदल गए हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के भी बोल अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि अचानक सुर बदलने के पीछे की वजह क्या है? तो माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत मिली है कि धार्मिक विवाद से नुकसान हो रहा है। ऐसे में हिंदू आस्था से खिलवाड़ ठीक नहीं है और विवादित बयान से बीजेपी को मुद्दा भी मिल रहा है और इसलिए धार्मिक विवाद पर संभल कर बोलने की नसीहत दी गई है। और इसकी झलक आज देखने को भी मिली जब ज्ञानवापी पर सर्वे का फैसला आया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान। ये धर्म के आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रबंधित करने की हमने मांग की है। फिर संतों के लिए जहरीली जुबान। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और हिंदू आस्था पर सियासी बात। बात एसआई जांच की चलेगी तो आज मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, कल मंदिर के पहले क्या था इसकी बात चल सकती है। ये पहचान है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब बोलते हैं सनातन धर्म पर चोट करते हैं, जब मुद्दा उठाते हैं धर्म ग्रंथ धार्मिक स्थल पर जहर उगलते हैं। लेकिन ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद स्वामी मौर्य के सुर बदले बदले से हैं। से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। न्यायालय के किसी निर्णय पर बहस का कोई औचित्य नहीं, जो आशंका थी कि एएसआई मूल ढांचे में खुदाई करके तोड़ फोड़ करके कुछ अन्यथा करना चाहती थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि बिना किसी तोड़ फोड़ के एएसआई जांच करे। हम समझते हैं माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य। स्वामी मौर्य ज्ञानव्यापी में सर्वे की मांग पर बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे, फिर सभी हिंदू धर्म के सर्वे पर विवाद को जन्म दे चुके थे। लेकिन अचानक जब फैसला आया तो उनके सुर बदले बदले से नजर आए। तो बड़ा सवाल है, स्वामी मौर्य बैकफुट पर कैसे आए? क्या स्वामी के लिए लाइन तय हो गई? क्या हिंदू आस्था पर चोट से एसपी को नुकसान हो रहा? क्या स्वामी मौर्य को हिदायत मिली है? क्योंकि स्वामी मौर्य ने जब जब बोला, जहां जहां बोला, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला। लेकिन अब ज्ञानवापी में सर्वे का फैसला आया तो उनके बोल ही बदल गए और कोर्ट के फैसले का स्वागत करने लगे। न्यायालय के किसी निर्णय पर बहस का कोई औचित्य नहीं, जो आशंका थी कि एएसआई मूल ढांचे में खुदाई करके तोड़ फोड़ करके कुछ अन्यथा करना चाहती थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि बिना किसी तोड़ फोड़ के एएसआई जांच करे। हम समझते हैं माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। खैर, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसदों के भी बोल बदले बदले से हैं। कोई ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले का स्वागत कर रहा है तो किसी को आपत्ति इस बात से है कि जब सर्वे पर रोक लगा दी फिर रोक हटाई क्यों गई? देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। क्या उसको उस फैसले को जो सर्वे के बाद आएगा आप मानेंगे? हाँ, हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा, पहले इजाजत मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे, तो अभी इनका क्या, इसमें क्या जवाब दिया जा सके? दरअसल ज्ञानवापी का मसला 24 के चुनाव के लिए इसलिए भी खास हो गया क्योंकि बीजेपी सर्वे के पक्ष में थी तो समाजवादी पार्टी के नेता सर्वे के विरोध में। लेकिन फैसले के बाद नेताओं के अचानक अल्फाज बदल गए, जज्बात बदल गए और इसकी वजह भी थी।
जानकारी है समाजवादी पार्टी बीजेपी की सियासी पिच पर नहीं खेलकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से बचे, बीजेपी को कोई भी मौका नहीं दें, धार्मिक मसलों पर बोलने से परहेज करें जिससे धार्मिक भावनाओं को आहत न पहुंचे। यानी समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं के लिए जो भी गाइडलाइन तय की गई है उसी का असर है कि स्वामी मौर्य जैसे नेता अब बैकफुट पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, एसटी हसन और बर्क भी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म ने भी ज्ञानवापी विवाद में एंट्री ले ली है। दरअसल बौद्ध धर्म गुरु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दाखिल कर दी जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी ना तो मंदिर है और ना ही मस्जिद है, ज्ञानवापी बौद्ध मठ है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि क्या दावा किया गया। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अब बौद्ध मठ की भी एंट्री हो गई है। जैसे ही हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी में सर्वे पर मोहर लगाई, बौद्ध धर्म गुरु सुप्रीम कोर्ट चले गए और दलील दी, ज्ञानव्यापी ना तो मंदिर है ना मस्जिद, ये बौद्ध मठ है। ज्ञानव्यापी विवाद के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल सुमित रतन भंते नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा है कि ज्ञानव्यापी ना तो मंदिर है और ना ही मस्जिद, ये एक बौद्ध मठ है, लिहाजा बौद्ध समुदाय के लोगों को इस पूरे प्रकरण में जो मठ है वो सौंप दिया जाना चाहिए। जहां हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी में मंदिर होने का दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष मस्जिद पर अड़ा है। वहीं बौद्ध के धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो याचिका में अलग ही दलील दे दी। बौद्ध धर्म ने क्या कहा, ज्ञानव्यापी ना तो मंदिर है ना ही मस्जिद, ज्ञानव्यापी सिर्फ बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ को लेकर सर्वे कराया जाए, त्रिशूल और शास्त्रविक चिन्ह बौद्ध धर्म के हैं, ज्ञानव्यापी में शिवलिंग नहीं बौद्ध धर्म के स्तूप है। बौद्ध धर्म गुरु सुमित ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कई और बातें कही है तो दूसरी तरफ मेरठ की जामा मस्जिद को लेकर भी बौद्ध धर्म ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि मेरठ की जामा मस्जिद बौद्ध मठ तोड़कर बनाई गई है। ये जो मुझे गजेट मिला वो मिला 1904 का, जो ब्रिटिशर्स ने तैयार किया, तो उसमें जब मैं उसको स्टडी करता था तो ये चीज मुझे उसमें पढ़ने को मिली। साफ लिखा हुआ है कि दिस वाज अ बौद्ध मॉनेस्ट्री एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू द प्रेजेंट मॉस्क। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस पे थोड़ा सा और देखा जाए हकीकत क्या है। खैर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में बौद्ध धर्म की एंट्री ने अलग विवाद को जन्म दे दिया है जिसका समाधान भी कोर्ट से होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ ही विपक्ष पर भी ताबड़तोड़ प्रहार किया और बता दिया कि विपक्षी दलों का गठबंधन अपने अपने फायदे का गठबंधन दिखाई दे रहा है। साथ ही अमित शाह ने दो टूक कहा कि हमारे पास कानून लाने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झगड़ालू हैं और दिल्ली में भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि वो शीश महल वाले भी मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आखिर विपक्ष का ये कैसा गठबंधन है, क्योंकि केजरीवाल विपक्ष के साथ नहीं रहने वाले। और साथ ही उन्होंने एक और बात कही, वो ये कि हर हाल में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चेक जो लेकर आए वो जिस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को एकजुटता की कोशिश की, खुद को विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के लिए शर्तें रखी, उस दिल्ली अध्यादेश बिल को संसद में पेश कर दिया गया और जब विपक्ष ने शर्तों के मुताबिक विरोध किया तो अमित शाह ने अध्यादेश पर तस्वीर साफ कर दी। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ कि ये विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164 एफ की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को
239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि ये बिल क्यों जरूरी है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के बंगले पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। माननीय दरअसल 24 के रण में विपक्षी दल एकजुटता का मंत्र दे रही है और साथ साथ का संदेश दे रही है, लेकिन इस बार अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान साफ कह दिया कि आप दिल्ली पर सोचिए, गठबंधन की नहीं, क्योंकि एक बार फिर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए, अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है, अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए, जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के गपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली सरकार के पक्षधार दलों को ये बात बता दी कि जिसका वो समर्थन कर रहे हैं वो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और जनता सब देख रही है। दिल्ली सरकार के गपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। दरअसल दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया था। लोकसभा में आज इसे लेकर चर्चा हुई। सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार के पास 366 सांसद हैं, तो विपक्ष के पास 147 सांसदों का समर्थन। और इसी पर अमित शाह ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि बिल पारित होते ही अरविंद केजरीवाल की राहें जुदा हो जाएंगी। वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है, तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करिए। खैर, शर्तों के हिसाब से भले ही विपक्षी पार्टियां सदन में दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ थी, लेकिन अमित शाह ने चुन चुन कर विरोधियों पर निशाना साधा और बता दिया दिल्ली में भ्रष्टाचार वाली सरकार है, इसलिए बिल का विरोध लगातार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन को चिताया कि याद रखना, अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ने वाले। किस तरह से चिताया उन्होंने, सुनाते हैं आपको जरा। यही समय है, सही समय है, विचार बदलिए। जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर निहित स्वार्थ नीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए,
तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अयोध्या में जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं अब रेलवे स्टेशन को भी नया रूप देने की तैयारी कर ली गई है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के भूतल में 166 खंभों पर देवी देवताओं की छवि उकेरी जा रही है। अगले साल की शुरुआत में रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर में रामलला की विराजमान होने के बाद में रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, और श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं अयोध्या के रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के बाद में अब अयोध्या धाम के आसपास के रेलवे स्टेशन के भी दिन बदलने वाले हैं। दर्शन नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या नगरी के विकास कार्यों को धार देने के लिए पीएम मोदी 6 अगस्त को दर्शन नगर और साथ ही भरतकुंड रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए शिलान्यास भी करने वाले हैं। कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। ये दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है जो अभी फिलहाल नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। इसके साथ ही अब इसका और उच्चीकरण किया जाएगा, जिसमें लाइन का दोहरीकरण, स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तमाम जो यात्री सुविधाएं हैं वो डेवलप की जाएगी। भगवान राम की नगरी के सबसे निकट दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को राम मंदिर आने वाले राम भक्तों के साथ ट्रेनों की संख्या और बढ़ाने के अलावा जो है वो अब कटरा यानी कि गोरखपुर लाइन से भी जोड़ने की कवायदें शुरू की जा रही हैं। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के अपग्रेड होने के बाद में यात्री सुविधाएं बढ़ जाएंगी, और इसके साथ ही इस स्टेशन को गोरखपुर लखनऊ रेल मार्ग से जोड़ने की भी योजना है। अभी मार्च महीने में जो है दर्शन नगर स्टेशन से लेकर गोसाईगंज स्टेशन तक डबलिंग का कार्य संपन्न किया गया है, और आने वाले अगले साल तक जो है ये आपका बनारस से लेकर और लखनऊ तक दोहरीकरण का कार्य संपन्न हो जाएगा, जो सरकार की पहली प्राथमिकता में है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन का सफर आरामदायक रहे, इसके लिए रेल मार्ग को सुधारा जा रहा है। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए काफी काम भी हो चुका है। उसमें स्टेशन का अपग्रेडेशन शामिल है, यात्री सुविधाएं बढ़ेगी, यहाँ का जो है इसको डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ भविष्य में परियोजना है इसको कटरा से बाईपास जोड़ने का, जो गाड़ियां यहां से जो है अयोध्या पे, क्योंकि मंदिर बन जाने के बाद वहां गाड़ियों का परिचालन ज़्यादा हो जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए यात्री और गाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दर्शन नगर स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।